नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली के विजय पार्क मौजपुर स्थित दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन रजिस्टर द्वारा 19 मार्च को 16 मृतक भूले बिसरे व्यक्तियों की अस्थियों को क्षेत्र के विभिन्न शमशान घाटों से एकत्रित कर श्री हरि शमशान घाट मौजपुर बाबरपुर में पंडित सुरेश अग्निहोत्री के निर्देशन में विधिवत विद्वान आचार्य पंडित संतोष अवस्थी व पंडित मनीष वोहरे द्वारा पूजन किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक व्यक्तित्व वैदिक धर्म गुरु पंडित श्री वेद मूर्ति जी महाराज तथा विशेष अतिथि श्री प्रशांत कुमार नेमा मौजूद रहे। मन संचालक संगठन के सांस्कृतिक सचिव सहदेव चौधरी द्वारा किया गया। आध्यात्मिक प्रमुख पंडित वेद मूर्ति जी महाराज ने अपने संबोधन में बताया कि अग्नि संस्कार व अस्थि विसर्जन में सहयोगी व्यक्तियों को असंख्य यज्ञों की पुण्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर सेवा संगठन के संस्थापक विजय सक्सेना ने बताया कि संगठन असहाय गरीब परिवारों के मृतकों के अंतिम संस्कार में सहायता तो प्रदान करता ही है, साथ ही भूले बिसरे मृतकों का वर्ष में एक बार अस्थि विसर्जन भी करता है। 2014 से संगठन पूरी मेहनत व लगन से सामाजिक कार्य कर रहा है। संगठन लगातार छठी बार यह कार्य कर रहा है। ब्रजघाट पहुंचकर विद्वान पंडितों के द्वारा विधि विधान से उन मृतक आत्माओं की अस्थि विसर्जन व आत्म शांति के लिए महायज्ञ किया गया। साथ ही उन सभी पंडितों को संगठन की ओर से वस्त्र अन्न व दक्षिणा आदि सम्मान देकर दान में 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा प्रदान कर तत्पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया। श्री प्रशांत कुमार नेमा ने कहा, जब लॉकडाउन लगा था तब भी संगठन ने अंतिम संस्कार में सहयोग कर अपना दायित्व निभाया और अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखा। कायस समाज यमुना विहार से सहभागी बने राजीव श्रीवास्तव व अरुण सक्सेना ने अस्थियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। रामनारायण रोहतगी व सुनील सिंगल धर्म संघ से आए अतिथियों ने मृतक आत्माओं की सदगति के लिए प्रार्थना की। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में संगठन के हितेशी राकेश शर्मा, संदीप, तेज न्यूज, मनीष सूर्यवंशी, अजय जैन, राजेश भसीन, सुनील शर्मा, अजय शर्मा, संगठन अध्यक्ष राजकुमार आर्य, वरिष्ठ सदस्य देवेंद्र प्रकाश शर्मा, प्रेमपाल सिंह, सहदेव चौधरी, सुरेंद्र आनंद, जौहरी अग्रवाल, राहुल शर्मा, राकेश सेन, संटी रौनक, गजेंद्र सिंह, भूपेंद्र शर्मा, हर्षित व क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दोस्तों, एक ये पुण्य का काम है और ये पुण्य काम ये संस्था लगातार पिछले सालों से नियमित करती आ रही है। आप भी इस पुण्य में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें और पुण्य काम में जुड़े। तब तक के लिए नमस्कार। समाज सेवा संगठन पिछले 9 वर्ष से इस प्रकार का कार्य कर रहा है और ये स्थितियां 1600 के बराबर है। 16 नहीं है, क्यों कि इसमें दो अस्थियां इस प्रकार की 25 साल से जो वो इंतजार कर रही थी कि भी कोई हमें गंगा जी पहुंचाए। तो हमारे संगठन ने लोनी शमशान घाट से इसको खोजा और वहां से हमें प्राप्त हुई और हर वर्ष हम इसी प्रकार से जो है सभी संगठन के सदस्यों के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ इस प्रकार से आते हैं और विधि विधान पूर्वक आप सब लोगों ने देखा कि यहाँ किस प्रकार से जो है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ आत्म शांति के लिए यज्ञ हुआ। इसके बाद अब भंडारा होगा, भोजन व्यवस्था 13 ब्राह्मणों का जो है वो करेंगे। विभिन्न शमशान घाटों से 16 अस्थियां जो एकत्रित करके माँ गंगा के द्वारे ब्रजघाट पे आए हैं और विधि विधान से इनका हमने विसर्जन किया है। भगवान इन मृतक आत्मा को शांति दे। इस बार इन 16 अस्थियों में जो विशेष बात थी कि हमें एक शमशान घाट से 25 वर्ष पुरानी अस्थियां मिली। देखिए, हमारे एक तरफ हिंदू धर्म में कितना गर्त की तरफ लोग जा रहे हैं कि अपने परिजनों की 25 वर्ष तक कोई देखभाल नहीं, किसी संस्था ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये तो हमारा विजय सक्सेना जी के नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वो अस्थियां मिली और हमने विधि विधान से उनको गंगा में प्रभावित किया और माँ गंगे से प्रार्थना की कि इनको सदगति प्रदान करें। ऐसा नेक कार्य करने के लिए हम सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा भी जो भी यहाँ पे ऐसी डेड बॉडी आती है जिसके परिवार के पास पैसे नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग संस्था के द्वारा सहायता उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।